हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिकल फ्री गार्डनिंग। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके पास पुराना प्लांट है या आप कहीं जाते हैं और आपको कोई प्लांट मिल जाता है किसी फ्रेंड के यहाँ या कहीं रास्ते में, तो आप डहेलिया के प्लांट से किस तरह से आप कटिंग लगा सकते हो, है ना। तो आज आपको क्लियरिटी भी दिखा दूंगी, पूरी तरह से मैं सक्सेस हो गई हूँ वो भी दिखाऊंगी, क्योंकि पिछले साल भी मैंने डहेलिया की कटिंग बहुत लगाई थी, इस साल भी मैंने काफ़ी तैयार की है। तो सबसे पहले तो ये बता देती हूँ मैं डहेलिया की कटिंग कैसे लगाएं। तो जो न्यू ग्रोथ होती है ना, अब ये वाला तो मैं नहीं छूंगी क्योंकि ये अच्छे से ग्रो भी हो गया है, अलग अकेला प्लांट है। मगर अब मैं इसमें से निकालूंगी ये इस तरह से, ये मेरी पिछले साल का ही है, तो ये निकाल दिया मैंने। इसके नीचे की पत्तियाँ ये इस तरह से हम कट कर देंगे, ये इस तरह से। ये नीचे की पत्तियाँ कट करना ज़रूरी होती है क्योंकि ये फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा अगर मिट्टी में टच करेंगी तो। और ये सारी नीचे की पत्तियाँ निकालने के बाद में अब हम इसमें करेंगे एक होल इस तरह से, ऐसे। और होल करने के बाद में इसे इस तरह से इसमें ये दबा देंगे। बहुत इजी मेथड है, बहुत इजीली लग भी जाती है ये डहलिया की कटिंग। तो इस तरह से हम ये कटिंग लगा देंगे। और मैंने कई एक लगाई है कटिंग, ये देखिए, ये मैंने एक ये लगाई है, ग्लास में ही लगाई है, और ये लगाई है, और ये लगाई, ये लगाई है। तो ऐसी जगह रखो जहाँ शेड में, देख रहे हैं आप, छन छन की धूप आ रही है, तो छन के धूप आए इस तरह से रखो। और कई एक तो रेडी भी हो गई है ट्रांसप्लांट के लिए, पर मेरे को टाइम नहीं है, ना ही मेरे पास पॉट है, तो मैं दिक्कत में हूँ कि करूँ तो मैं क्या करूँ, है ना। तो कई एक रेडी हो गई है, किधर रखी है मैंने, वो अभी तो सेटअप किया था, हटाया था उन्हें। तो काफ़ी कई एक मैंने 10-15 मैंने कटिंग लगा दी है, एक तो ये लगी है, एक ये लगी है, जगह जगह मैं लगाती रहती हूँ। काफ़ी कटिंग्स मैंने लगाई हैं, ग्लास में मैंने बहुत ढेर सारी कटिंग्स लगाई हैं। एक ये कटिंग लगाई है, ये देखिए, ये इस ग्लास में लगाई है और ये इसमें लगाई है। तो इस तरह से मैंने बहुत ढेर सारी कटिंग लगाई हैं। तो ये सभी रेडी हो गई हैं लगभग, और सभी ट्रांसप्लांट के लिए हो गई हैं। तो आप भी इसी तरह से कटिंग्स लगाएं अपने गार्डन में। और ये देखिए, ये मैं निकाल ही लेती हूँ बाहर को, जिससे कि आपको आइडिया रहे कि किस तरह से कटिंग रेडी हो जाती है, किस तरह से लगाई जा सकती है इन्हें। तो ये मेरा डहेलिया का, और इसमें रूट भी बन गई होंगी क्योंकि इन्हें काफ़ी टाइम हो गया है लगाए हुए। हाँ, ये रूट बन गई है, देखिए नीचे से इसमें निकलने लगी है रूट, ये तो इसमें रूट बन गई है। तो इसे अब हम ट्रांसप्लांट भी कर देंगे, देखिए ये रूट आ गई है इसमें, ये देखिए सारी रूट आई हुई है इसकी, कितनी अच्छी रूट बनी हुई है। तो अगर आपके पास कोई पुराना प्लांट है तो आप उनकी कटिंग लगा सकते हो, इजीली लग जाती है और बहुत अच्छे से चलती भी हैं। नर्सरी वाले इसी तरह से कटिंग लगाते हैं, तो मैं पूरा नहीं खोलूँगी, बस आपको दिखा रही हूँ। देखिए ये इसकी सारी नीचे से रूट, काफ़ी देख रहे हैं आप, ये काफ़ी रूट निकल रही है। तो अभी मैं इसमें गंधराज के साथ में ही लगा दे रही हूँ इस तरह से, ऐसे रूट बॉल ना तोड़े जब भी रिपोर्ट करें, तो इस तरह से आप लगा के रिपोर्ट कर दीजिए और लगा दीजिए। बहुत इजीली लग जाती है कटिंग, कोई रूटिंग हार्मोन मैंने नहीं लगाया। इस तरह के गिलास मिल जाए या पॉलीबैग मिल जाए, कोई भी चीज़ मिल जाए आपको, उसमें आप लगा दीजिए, जिससे कि मिट्टी रुक जाए, बस उसमें लगा दीजिए आप, और बहुत ईजिली चल जाती है ये प्लांट, और बहुत अच्छे सुंदरता से ग्रो हो जाते हैं। अब ये इसमें भी एक मैं इसमें लगा दे रही हूँ, फिर उसके बाद में फिर ट्रांसप्लांट कर दूँगी इसे, है ना। ये इस तरह से, ये देखिए ये रूट बाहर तक निकल आई है। तो इन्हें काफ़ी टाइम हो गया, करीब 25-30 दिन हो गए हैं। ये देखो, देख रहे हैं आप, ये कोकोपीट मिक्स है रेत, ये देखिए, ये देखिए कितनी अच्छी रूट बनी है। तो आप इन्हें कटिंग से इजीली लगा सकते हो आराम से, और ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती हैं और लग जाती हैं। देखिए कितनी बड़ी बड़ी रूट हो गई हैं इनकी। तो इस तरह से आप इन्हें लगाइएगा, और ढेरों प्लांट अपने घर में फ्री में बना लीजिए अगर आपके पास। मैंने पिछले साल बचाए तो थे, कोशिश की थी बचाने की, पर ये एक ही प्लांट बच पाया है, देखिए एक ये है और एक ये है, दो प्लांट तो ये रेडी हो गए। तो ये बस मेरे पास एक ही प्लांट बच पाया था। तो आप बस न्यू ग्रोथ देखिएगा। अब इसमें देखिए ये ढेर सारी, क्योंकि सीजन है तो इनमें, इन ब्रांचेज में भी ये कटिंग छोटे छोटे से शूट्स निकल रहे हैं, और इनमें से मैंने काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिए, पर मैंने बिल्कुल अलग नहीं की इसे, क्योंकि अलग मैं कर दूंगी तो और ब्रांचेज नहीं निकलेंगी। तो मैं इस तरह से इनके निकालती रहूँगी और लगाती रहूँगी इसमें। और ये देखिए कुछ इसमें से ही मैंने निकाली थी ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये छोटी छोटी सी ग्रोथ लगाएंगे ना आप, वो भी शुरू हो जाती है कटिंग से लगा दें तो। ये देखिए मैं उसी में लगा दे रही हूँ जिसमें मुझे ये चलानी है, बस ऊपर की न्यू ग्रोथ मत तोड़ो, नीचे की पत्तियाँ तोड़ दो।
सेमी शेड में रखो छाया में, जिससे कि इसे धूप ना लगे, तेज धूप लगेगी तो ये, और बस इस तरह से होल करो और ऐसे दबा दो मिट्टी में इस तरह से, बस ये ऐसे हो जाती है रेडी, है ना। एक वो कटिंग लगाई हुई दिख रही हो आपको, चाहे वो कोलियस के बीच में, तो वो भी मैंने कटिंग ही लगाई थी। तो ये बाद में धीरे धीरे करके मैं सभी ट्रांसप्लांट कर दूंगी जगह जगह। ये तो सूख ही जाएगा क्योंकि ये सीजनल प्लांट है, तो ये ख़त्म हो जाएगा, नहीं भी होगा तो भी कोई बात नहीं, है ना। तो इस तरह से ये कटिंग लगा लगा के आप ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हो डहेलिया के, कोई कठिन काम नहीं है। बस सिंपल से आप ना रूटिंग हार्मोन की ज़रूरत, ना किसी चीज़ की जरूरत, बस कट कर तोड़ो और लगा लो, बहुत इजीली लग जाती हैं ये। ये देखिए एक ये भी है, इसे भी अगर इतनी कट करके लगा दे तो ये बहुत इजीली लग जाएंगी। तो अभी बस आपको दिखाने के लिए मैंने ये दो तीन कटिंग लगा दी है और प्रूफ भी दिखाया कि किस तरह से लग जाती हैं, रूटिंग शुरू हो जाती है अच्छे से। तो फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स।